विदाई कर दो। अगले हाले 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 अब अपने मायके को छोड़ो और यहाँ से अपना महल चलने के लिए यात्रा करो। क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक है महारानी, चलते अपने महल। चलो महारानी। हाँ स्वामी जी, ये चलते चलते कहाँ आ गए, तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं मालूम चल रहा है स्वामी जी। महारानी ये चलते चलते यही अपना हिमाचलपुर शहर है और ये हिमाचलपुर शहर का सिंह दरबार है महारानी। क्या ये आपका माल हिमाचलपुर शहर है? हाँ महारानी। स्वामी जी हाँ, माल तो आपकी बहुत अच्छे लग रहे हैं स्वामी जी। महारानी माल तुम्हें देखने में अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हें देखने में खराब लगा? नहीं स्वामी जी, मैं कहाँ बोली कहा, देखने में बहुत खराब है। तो महारानी बहुत अच्छे हैं।
महारानी यही है अपना हिमाचलपुर सर। चलो चलते अपना महल की। लेकिन स्वामी जी इस महल में कौन सब रहते हैं स्वामी जी? महारानी ये तुम क्या पूछ रही हो? ये बात तो मैं कुछ देर पहले ही बता देने के लिए चाहता था, लेकिन क्या बताओ महारानी, शादी की खुशी में सब चीज अपने दिल से खो बैठा था। तुम शायद मिठड़े हो जाओ इस राज के विषय में और इस महल के विषय में, तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा देगा। क्यों नहीं स्वामी जी? महारानी ये है हिमाचलपुर शहर। हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और मैं दो भाई का जोड़ा था, जिसे कि बड़े भाई का नाम था नीलराज और मेरा नाम था महारानी कमलराज। क्यों नहीं समझे? भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई के सिवा दारू शराब पीना और मुन्नी भाई के कोठे पे जाकर ऐश आराम करना। महारानी ये बात धीरे धीरे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई के जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पे जाके ऐश आराम करता है। वे लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और हमें दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस महारानी एक दिन आप इसमें आकर के इन्हीं हाथों से पिताजी का हत्या कर दिया और वे हत्या के जुर्म में बड़े भाई नील को फंसा के इस राज से इस माल से 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। क्या? हाँ महारानी, तुसी अपने पिता का हत्या कर दी? हाँ महारानी, मैं जो भी कुछ किया ऐसी संपत्ति के लिए किया। मैं सोचा पिताजी खत्म हो जाएंगे, भैया इस राज को छोड़ के चले जाएंगे, इस राज को मैं जैसा ही सामने के सारे पे घुराने के लिए चाहूंगा वैसा ही राज ये पाठ घुरेगा और वैसा करके दिखाया महारानी। लेकिन जिस वक्त जिस समय भैया जाने के लिए इस राज से आगे कदम बढ़ाया तो उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। उस देवी समान भाभी माँ को इस महल में इज्जत समझ के महल में रख लिया महारानी। क्या क्या स्वामी जी, मैं उस भाभी माँ से मैं नहीं मिल सकती क्या? जो नहीं महारानी, लेकिन महारानी भाभी माँ से मिलने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझा देने के लिए चाहता हूँ। क्या? महारानी जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसा पिता को हत्या कर सकता हो और इसी संपत्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर सकता हो, वो मेरे लिए भाई ही नहीं था बल्कि वे मेरे लिए भगवान था। और तुम मेरी महारानी हो, आज दिन से तुम इसी हिमाचलपुर शहर में राजमाता कहलाएगी। क्यों नहीं? और तुम कभी संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास मत करना वरना तुम्हें भी राम राम सत कर दूंगा। ठीक है महारानी, मैं तुम्हें भाभी माँ से मिला रहा हूँ और तुम साइड में खड़ी हो जाओ। जैसे ही भाभी माँ को आवाज लगाऊंगा, आवाज लगाने के बाद भाभी माँ इस महल में कदम रखने का प्रयास करेगा महारानी। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। आए कतनीला भाभी माँ खुश रहिए देवर्षी। भाभी माँ आज जो मैंने आपको इतना जोर जोर से आवाज लगाया, आवाज लगाने के कारण इस प्रकार है कि मैं
शादी करके वापस चला आया हूँ। क्या तुम शादी करके वापस चला आया? हाँ भाभी बा। लेकिन कमलराज जी, तुम शादी करने के लिए गए थे तो मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे भाभी माँ, उस वक्त मैं जल्दबाजी में था, इसलिए मैं आपको नहीं बता सका।